नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, इसके उपरांत कीर्तन किया गया। भतोला से ज्ञानी जसविंदर सिंह के द्वारा गुरु नानक देव जी के जीवन काल के बारे में बताया गया और लोगों को उनके जीवन की सच्चाई से अवगत कराया गया। इसके बाद अरदास की गई, वही ग्रंथ पाठ सुनाया गया। हरप्रीत सिंह के द्वारा सभी लोगों को ग्रंथ साहिब का पाठ सुनाया गया। इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें पुरकाजी नगर व आसपास के गांव से श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने लंगर चखा। इस अवसर पर सुखपाल सिंह बेदी, भारत भूषण कुल्लर, सुरजीत प्रधान, विनोद कुल्लर, प्रदीप चौधरी, कुंज सोडी, डॉक्टर श्रीकांत, सत्येंद्र बेदी, मंजीत सिंह, सुशील कुल्लर आदि मौजूद रहे। भविष्य चौधरी, आज गुरु नानक बर्थडे पे सब देशवासियों को लख लख बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद कि हम सब एक साथ हैं और इसीलिए लंगर जो है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सभी कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी एक फर्श पर एक ही प्लेटों में बैठ कर यहाँ खाना खा। जैसे भंडारा लंगर जो होता है, जो सबसे ज्यादा आपकी बिरादरी में क्या जाता है, ये शिक्षा कहाँ से मिली है? ये गुरु नानक देव जी के द्वारा ही दी गई एक शिक्षा है। उन्होंने कहा है कि वंड के छको, पहले बांटो और फिर खाओ। तो आज भी हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं। पहले हम लोग यहाँ जो भी आते हैं दर्शन अभिलाषी दर्शन करने के लिए, उन्हें खाना खिलाया जाता, भोजन कराया जाता, उसके बाद संगत बाद में अपने आप फिर यहाँ बैठकर भोजन कर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पुरका जी की पंजाबी कॉलोनी समाज जो है और सभी संगत ने मिलके धन धन गुरु नानक देव महाराज जी का 554वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया है। बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि आज सभी संगत ने साथ दिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, गुरुद्वारा साहिब की कमेटी ने बहुत साथ दिया है सभी संगत का, और हम सभी साथ संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाह। गुरु नानक देव जी उस समय पैदा हुए जब दुनिया में लोगों को ज्ञान नहीं था, जीने की उनकी पद्धति खत्म हो चुकी थी, गलत जीवन में चलते थे। गुरु जी ने उनको समझा के, उनसे बहस करके, उनसे मतलब उनको समझा के उनको जीने की कला सिखाई कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। सबको मिलकर रहना चाहिए, भेदभाव कोई नहीं है। दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख सब एक समान है, इनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। और जीवन इंसान को सादा रखना चाहिए और मीठी वाणी बोलनी चाहिए और किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और ये लंगर जो है, ये उन्हीं के समझाए हुए, उनके बताए हुए रास्ते से चल रहा है और उन्हीं की ये देन है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।